हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश किस्को और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फुटबॉल ऋषिका। तो चलिए फ्रेंड्स, फुटबॉल ऋषिका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और मैदान को नजर डाला जाए तो मैदान के उत्तरी चोर को जिसम को हम लोग देख रहे हैं तो ये रेड बुल एफसी पीले कलर के जिसम है और दक्षिणी साइड में जिस टीम को हम लोग देख रहे हैं ये है आरआरबीसी की टीम। मैं थोड़ा सा डिटेल जानकारी देना चाहूंगा। रेड बुल एफसी टीम में प्रेम स्पोर्टिंग कांड्रा के सभी मजेबुल खिलाड़ी मौजूद है जो लगती के टूर्नामेंट में भी नासर झारखंड बल्कि ओडिशा और बंगाल में कहां का मजा देते हुई टीम है। आरआरबीसी टीम में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आदिवासी महिला संघ नादू की खिलाड़ी टीम में मौजूद है जो कांग्रेस है जैसे बड़े टूर्नामेंट में ये टीम फाइनल भी खेल चुके रखाई ये टीम है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों ही टीम एक मजबूत टीम है। खेल का संचालन कर यहाँ पर सोहनलाल हासा अनुभवी नायक सहयोगी रेफरी के रूप में मैदान के पश्चिमी छोर पर शंभू बेसरा पूर्वी छोर पर उदय भूमिज। इस बात जो मैच होंगे तीन नंबर का मैच होंगे खेलने के लिए रेडी रहेंगे सुनकू कोल्ट्रम बाना बी समरकर के सोरेन सेना। सात नंबर का खेल सोलिंग सेकर टीम का सामना करेंगे रंगाटांग एफसी। आप भी रेडी हो उसमें रहेंगे। चलिए फिलहाल खेल का शुरुआती समय रेड बुल एफसी टीम में खेल का नाम इस प्रकार है। दीपक मुर्मू 21 नंबर के जश्न में, गोपाल हेमराम के जश्न 12, मनोज हासा के जश्न 2, विवेक मुर्मू के जश्न 6, संजय टुडू जश्न 9 पर, प्रेम माड़ी 7 नंबर जश्न में, सुनील सोरेन 3 नंबर के जश्न में, चंद्रमोहन हासा के जश्न 8, देवा मुर्मू के जश्न 7, गुड्डू नायक का जश्न 00, फुदू का जश्न 14, सोनू महतो का जश्न 16। टीम के मैनेजर ने सिग्नेचर किए हैं जिससे पूरा नाम उनका मैं नहीं ले पा रहा उसके मैं समझता हूँ। सिग्नेचर आप लोग ऊपर में कर लीजिए लेकिन नीचे में आपका नाम पूरा फिर आप लोग लिख दीजिएगा। आरआरबीसी टीम में खिलाड़ी का नाम इस पर है संजय बास्के गोलकीपिंग कर रहे हैं, सुकाल मुंकल का जैसे 5, सामू दिग्गी 6 नंबर के जैसे, सामू बास्के के जैसे 14, सामू कुंकल 8 नंबर के जैसे पर यानी 3 सामू नंबर खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ा हुआ है। सागिन कुंकल के जैसे 22, बेटा कुंकल टीम का कप्तान है 12 नंबर जैसे में, जैसे फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा मौका पर आरआरबीसी के लिए बहुत ही कमाल का मौका था लेकिन मौका को गोल में तब्दील नहीं कर पाया। रेड बुल एफसी की अगर बात की जाए सबसे धाता जो खिलाड़ी है प्रियम 7 नंबर के जिसमें नजर आ रहे हैं, बेहतर कप्तान के रूप में जाना जाते हैं। सुनील 3 नंबर के जिस पर जो गति भरी लेग खेल के लिए जाने जाते हैं, संजय मौजूद है जिनको फुटबॉल की दुनिया में टेम्पू का नाम मिला है। संजय जैसे धाता खाड़ी टीम के साथ जुड़ चुके हैं जो 9 नंबर के जश्न में नजर आ रहे हैं। आरआरबीसी टीम की बात कीजिए संजय बास्के गोलकीपिंग कर रहे हैं, ये नेशनल गोलकीपर है यानी नेशनल में भी खेल चुका है। जीएफसी जूनियर टीम में भी गोलकीपिंग का भूमिका को अदा कर चुके हैं। 5 नंबर जैसे सुकराल का ये प्रोडक्ट है और जीएफसी में भी इनको ट्रेनिंग मिल चुका 2 साल का। बहुत अच्छा मतलब संजय के लिए खराब सा बेटा कुंकल भी मौजूद है।
आरआरबीसी टीम के लिए बेटा घूम गई शुभ नाम का घसिया लेकिन कार्तिक मित्तल का बेटा है जिसके चलते फुटबॉल के प्रशंसक उनको इजाजत कर रहे हैं बेटा गूगल से जाते हैं टीम का कप्तान से भी कर नेशनल खिलाड़ी भी है रेड बुल एफसी के एक और मजे खिलाड़ी खुद हम सब परिचय दिलाल सिंह का जो 14 ओवर जिसमें खुद हाथों से बाहर बुल को डालने के प्रयास के सामने ये कलाकार खेल के लिए जाना जाता है उसी बड़ी बात है सांस्कृतिक खेल के लिए जाना जाता है फिर से पर जसवंत सरदार मौके की तलाश में अच्छी जगह सागर के लिए बुल को डाला गया आरसीबी पर गोल खारे के मजदूर होना पड़ा सागर के शॉट को समझ नहीं पाए लेकिन समझा का हाथ लग चुका पहले आरआरबीसी की टीम को बहुत ही बड़ी गलती कर बैठे यहां पर रेड बुल एफसी की टीम शायद बुल डीप होने लगा बॉल को समझ नहीं पाया युवा खिलाड़ी अरे आपने देखे यहां पर आपने गोल पोस्ट कर गोल ला गए उसके बावजूद प्रेम ने किसी तरह गलती नहीं अकाली गुरु जिसको नहीं की क्योंकि जानते कोई भी खिलाड़ी आपने गोल पोस्ट पर गोल नहीं दागते हैं जिंदगी में कोई भी खिलाड़ी का मकसद नहीं रहा था कि मैं अपने गोल पोस्ट में गोल दाग दू और खेल में ऐसा प्यास के थे लड़की बॉल अपने स्मार्क से बाहर हो चुकी है और पूरा मैच को हमारे यूट्यूब में डालता हुआ फुटबॉल ऋषि का यूट्यूब चैनल में आप इस मैच को देख पाएंगे डिस्टेंस सही है आपका लेकिन थ्रो इन के दौरान आपका हाथ का पोजीशन सही नहीं था बैडमिंटन सुनाल अनेडे रेड बुल एफसी टीम नुतमान खाड़ी संजय लगा नुतमान खाड़ी टीम को सलाह का सुनील लगा ना बेस्ट फिनिशर टीम रे को सलाह लगा ना ताल में ले कोई भी तो बोल मालूम पड़ा दिन को कुरुमुट हुई है सुनील लड़े बोल की तो इतना मुझे है ना चंद्रमन हासन दिन कलम में जैसे टूर्नामेंट रहे बेस्ट खेलने सुबह रहे था रेड बुल टीम के लिए 8 नंबर खाड़ो मैसो बेस से फॉर्म रहे गए मैं कहना मैं लड़े लेकिन पीछे को अपने बिना का यार नाफा शॉट पाप बिना लड़े चंद्रमन लगी सेलेट बेस लगना होगा ना पीछे खोल रहे लिमिटिंग गोल ला बराबरी अधिकार नॉन कम खोल ला नियल गोल है ना देखन किसी को नॉन कम हो खेल चला ना मिट्टी जे पारिया पारिया गोल बराबरी रे को सरदारी खबर खेल हो गया ना कहीं नॉन का अधिवेशन तेरे दोसर गोल बकरा आरबी से टीम लगी मैं तो गोल भी तो खोल ले तो हाँ ते रेड बुल लेकिन आर अटेंडर हुई ना समझा सागर लगी सागर गोल को गोल बनाए जो लास्ट आज के गोल किए थोड़ा सा हाथ लेकर परिचय देंगे ये शायद गुनाही ने गोल मारे होंगे जो खेल गोल मारा हाथ नहीं गए चलिए गुनाही पहला जो आरआरबीसी की खिलाड़ी ने गोल मारे थे
ये गोल जो ऑन गोल हुआ था उस गोल के बारे में थोड़ा सा मैं मेजबरी से मैच वालों के बाद चर्चा करना चाहूंगा कि जो स्कोर था वो किन के खाते में जाएंगे। पूरे खिलाड़ी को बदलाव रेड बुल एफसी की टीम में 2 गोल से आगे फिलहाल आरआरबीसी की टीम। 3 नंबर रमेश खेलने के लिए पूरी तरह रेडी अवस्था में रहेंगे। चुनकू प्लेटफॉर्म 12B कसुम नगर का सोरेन सेना आप दोनों दल के कप्तान बुलेटिन के मैनेजर अपने खेल को रेडी अवस्था में रखेंगे। 7 नंबर का खेल सोलिन सोनर टीम का सामना करेंगे रंगाटाउन एफसी आप भी रेडी अवस्था में रहेंगे। 1 खुशखबरी पहुंच चुका हमारे कमेटी मंच में कुछ समय के बाद आपको निश्चित तौर हफ्ते में एक खुशखबरी आपको मैं सुनाना खिलाड़ी किसी का नॉन ओवर के उनके पापा के वनडे का नियम लग रहेगा। पड़ा पड़ने के लिए खुशखबरी के तौर पर मुर्गा पड़ा का भी आयोजन किया गया है। इच्छुक दल आप कमेटी के किसी भी टीम हमारे पास हम लोग नामांकन दर्ज कर सकते हैं। कुंकल ए दिगे ए कुंकल पीछे और चलिए अभी भी हमारे मंच में एक मासूम कमेंटेटर अनुराग महाशय जी हमारे मंच में कदम रख चुके हैं। उनको कम्युनिकेशन का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुछ विश्राम लेने के बाद इनका मधुर आवाज आप हमारे यशवंत सरकार बॉल को होल्ड करने के प्रयास लेकिन बॉल आउट होते थ्रो इन का मौका आरआरबीसी के पक्ष में। 3 नंबर का मैच खेले गया हमारे मेडिकल दोनों में चलेंगे सोरेन सेना टीम की खिलाड़ी और चुनकू प्लेटफॉर्म माना बी टीम के कप्तान आप अपने खिलाड़ी को हमारे मेडिकल में अभी पहुंचा देंगे। मेडिकल चुनकू प्लेटफॉर्म के मैनेजर ने कप्तान टीम को लाए थे मुकाबले उनका हार का सामना करना पड़ा। अच्छा डिसिप्लिन का मेंटेन कर रहे थे। प्ले ऑन में बोल रहा था अगर बोल 5% भी लेकिन में टॉस रहा था तो बहुत अच्छा मौका और चलिए अब तेज रहा था तीसरा गोल लगने में कामयाब होता हुआ सागर। बाईस नंबर की खड़ी सागिन कुंकल ने गोल मारे सागिन कुंकल के बात करें पानी पानी ओडिशा के तेरिंग प्रखंड में हुई नहीं बल्कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का नामांकन टूर्नामेंट माना जाता है आप उठा पाएंगे या नहीं। जी हाँ कमाल का फिनिश का पद सुनील के द्वारा मैं पहले बता चुका हूँ कि रेगुल की टीम भी कोई खराब टीम नहीं है तो शुरुआती क्षण में जो ऑन गोल खाए ये टीम के लिए पूरी टीम के लिए दिक्कत बना। सुनील का यहाँ पर कमाल का फिनिशिंग है जहाँ 3 गोल लगने में कमाब आरआरबीसी की टीम और लास्ट मोमेंट में जवाब गोल के रूप में रेडबुल की टीम भी गोल लगने में कमाब होता हुआ। और यहाँ पर बार-बार यहाँ पर मौकों को बना रहे हैं। यहाँ पर लास्ट मोमेंट में दोनों टीम की खाड़ी लास्ट मोमेंट में अच्छा जवाबी गोल लग सुनील के द्वारा भी रणपुर टीम की ओर से फिरिशा फरमा का बन सकता है आरआरबीसी टीम के लिए। बहुत अच्छी तालमेल पर यशवंत सरकार यह खड़े बिल्कुल पीछे डाले सामू के लिए अच्छी तालमेल अच्छी बंटवारा आरआरबीसी की खेड़ के द्वारा प्रयास और इसी के साथ